तो अभी दूसरा पंडाल भी है, दूसरा पंडाल भी है, उसका भी एंट्री गेट आपको दिखाते हैं। बाकी ये देखो ग्राउंड में, ग्राउंड देखो सब जगह ग्राउंड बना हुआ है। उसके पीछे भी सेटअप बन रहा है, क्या बनना है वो पता नहीं, एंट्री करके शायद कुछ और बनना। इधर से आ जा भाई, ये देखो माता बहनों के लिए वहां भी टीन लगा रखा है सोने के लिए, शायद खाना खाने के लिए। और इधर दूसरे वाला पंडाल दिखाने जा रहा हूँ, तो दूसरे वाले पंडाल में देखना क्या क्या है और एंट्री करते हैं हम। सच सर एंट्री गेट यही है, एंट्री गेट है ना, तो ये देखो सेकंड पंडाल का एंट्री गेट है, तो भी देखते हैं क्या क्या बना रखा है इधर। यहाँ भी शायद वो बना रखा पूरा सीन, ये देखो आप नीचे पढ़ सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। क्या ये ग्रुप में बच्चे ऑल गुड्स कहाँ से आए हो? हाँ जीन से दर्शन हो गए, दर्शन हो गए महाराज के, दर्शन हो गए। चलो तो ये देखो, ये देखो कोई नहीं है ऐसे बंदे अभी तो ये दिखाना ना। तो इनके पीछे कथाएं हैं तो सब बना रहे हैं। तो इधर देखो गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी का मुख है चूमते हुए जीना। ये देखो मतलब आप सामने पढ़ोगे क्या किस लिए है तो आपको दिखेगा। तो ये देखिए जो कहानियां हैं उनके सारी हैं कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा तो ये देखो ये देखो इनके पीछे भी एक स्टोरी है, स्टोरी लिखी है 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण ना करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान विष्णु जी को देखकर कबीर जी और ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालकर चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए तथा शिव जी के कुमारी का मंगवाने का आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी। तो सारी स्टोरीज के नीचे लिखी हुई है जो जो है, तो आप देखो ये देखो पूरी स्टोरी बताई गई है इन स्टैचूज के माध्यम से। तो आप पोज करके पढ़ते रहना, देखते रहना, आपको पूरा मैं व्यू दे दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है। ये देखो काफी बड़ा हो रखा है, मतलब जो नहीं आया है उसको पूरे दर्शन हो रहे हैं अभी। ये देखो आप पढ़ सकते हो, तो काफी सीनरी है भाई। अब आगे वाली लास्ट वाली आ गई है वो आपको दिखा रहे हैं, तो ये भी दिखा देते हैं। हो गया आज तक कुछ कर रहे हैं भाई, थोड़ी आगे से देख लेते हैं।
ये देखो में भिक्षा देते हुए इतना क्राउड हुआ है, रास्ता मुश्किल से मिल गया। ये देखो तो गिर गया भाई। सचिन तो पंडाल में जो जो आपको दिखाया है दर्शन हो रहे हैं, यहाँ सीनरी दिखा रखी है कि क्या क्या हुआ था, स्टोरी बता रखी है, तो स्टोरी आपने देख ही ली है। तो लो जुल्फिकार भी बना रहा है मोबाइल में, इसका भी ब्लॉग भाई सब्सक्राइब करो जुल्फिकार के नाम से। तो ये देखो भाई हवा लगी अच्छी, हाँ हाँ चैन आ गया भाई गर्मी में हवा सेटअप। ये देखो मंदिर शायद ऐसा बनेगा या बना हुआ है, बुढ़िया खिंचवा रही थी ये आर्टिफिशियल टेम्पल। यहाँ तो पंडाल में इतनी है, मैंने सारे आपको एक्सप्लोर करवा दिए हैं। तो आगे चल के कहाँ घूम गए हो गया हमारा जुल्फिकार, ये बंदा गुम हो जाता है पता नहीं कहाँ हो रहा। मैं टावल लेके आया यार मेरा, मेरा धूप लग रही है, धूप लग रही है ठीक है। तो ये चल रहा है तो भाई अभी यहाँ खाने का जो प्रबंध है उधर आ गए हैं, तो आपको दिखा रही है लेडीज का है, यहाँ से लेडीज को दिया जा रहा है और उधर से जेंट्स को दिया जा रहा है। उधर लेडीज का खाने का है और इस तरफ जेंट्स खा रहे हैं, तो सब परोस रहे हैं। और देखो सारी फैसिलिटी हो रखी है, अगर आओगे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आके यहाँ सारी चीजें मिलेगी, रहना खाना सोना, तो आराम से आप दर्शन करके जा सकते हो। ये देखो हाँ भाई तो खाना परोसा जा रहा है। यहाँ हाथ धोने का, पीने का पानी, हाथ भी धो रहे हैं पी भी रहे हैं, तो अच्छा पानी। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो भाई दबा के सब्सक्राइब करो, देखते हैं कितने फॉलोवर हैं, और फिर नेक्स्ट के लिए कमेंट करो कि नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। तो टाटा भाई।